जो रीचिंग है ना बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, तो आप प्लीज हमारी इतनी सी हेल्प कर दें कि वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारी रीचिंग ठीक हो पाए। आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं, इसमें हम बंटी जी की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान मदरसा स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑन इंडिया एंड साइंस। तो देखेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा वीडियो के देखने में, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाज, लेकिन मस्जिद में जो जज्बे वाला जहाज है, जज्बे वाला जहाज है। आगे का क्या सोचा है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया मैं, इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, इस्लाम में तो इस्लाम में रह रहे ना, आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाए? काफरों के खिलाफ करना, काफरों के। अच्छा आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, ये आ गया, इस बच्चे को भी जहाज पढ़ाया जाता है। लानत है तुम लोग पे, लानत। आज मैं आप सबको मिलवाती हूँ जिन्ना के जहरीले मुल्क पाकिस्तान के जहरीले सपोलों से। हलवा पकाए, जिनको सुनने के बाद आपकी आत्मा भी कांप जाएगी। थोड़ा सा डर लगता है कि 21वीं सदी में भी कैसी एजुकेशन दी जा रही है पाकिस्तान में, मगर बदकिस्मती देखिए, और ये जहरीली एजुकेशन दी कहाँ से जा रही है? मदरसे से। हाय हाय। और जब आप इन जहलों की बातें सुनोगे तो आपका पेट भी हंस हंस कर फूल जाएगा और आपका दिन बन जाएगा। तो चलिए, देर किस बात की, चलो पाकिस्तान। चलो भाई, तुम्हें जहाज नहीं पढ़ाया जा रहा? पढ़ाया जा रहा है। किस टाइप का जहाज पढ़ाया जा रहा है? जहाज के बारे में बताया जाता है कि जहाज करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। चल झूठा। हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ, सुलह सफाई से रहना चाहिए जी। हाँ। लेकिन अगर आपको इंडिया बहुत तंग करे तो फिर आपको जहाज करना चाहिए। हम इनसे पूछेंगे कि स्कूल्स में इनको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है, और एज अ पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी चाइल्ड, इंडिया के बारे में क्या जज्बात रखते हैं? काफरों के खिलाफ करना, काफरों के। अच्छा आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, ये आ गया, इस बच्चे को भी जहाद पढ़ाया जाता है। किस टाइप का जहाद पढ़ाया जाता है स्कूलों में, किसके खिलाफ करना है? स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में, तालीम के जरिए जहाद पहुँचाओ। अबे साले बेटा, स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? हाँ। क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया रहे? हाँ, पढ़ा रहे। जबरदस्त, क्या बात है जी, जहाज पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, जहाज करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ जी, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। किसके साथ? काफरों के साथ करना काफर चाहिए। कौन है? काफर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जहाद कर दो? वो जहाद नहीं है। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे तो फिर हम उसको छोड़ें। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जहाद हो गया इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये जहाद थोड़ी ना, कौन सा वाला जहाद है? जहाद तो वो है ना, बात ये है कि स्कूल में जहाद पढ़ाना क्यों है? साइंस पढ़ाओ। आइंस्टाइन किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता हूं। चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया मैं, इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? इस्लाम में रह रहे ना, आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाए? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले, इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना, हम दीन की दुनिया में, हम नहीं जाना, हमने दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूँ। दीन में भी आएंगे, मेरी बात सुनो। ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इंडिया, चांद इंडिया बैठा रहे, इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालफ है और हम उनके मुखालफ हैं। अच्छा बेटा, 10वीं क्लास में पढ़ते हो, इतना जहर कहाँ से आया दिमाग? जहर हमारा है, भरा गया है? काफरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। गुस्ताखियां क्यों करते हैं? हमने वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो, हाँ जी हाँ जी, जब धुंध छाई हो तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। अच्छा। सुना है ना आपने? तो इसी वक्त यही है कि ये जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, इन्होंने समझ लें कि घेरा हुआ है सारा हमारा मुल्क, कर्जे के नीचे दबा रहे हैं पाकिस्तान को, दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि हथियारों, ये जो हमारे पास है इन पे कब्जा करना है। अच्छा। ये सारा वो हमारे पास हथियारों पे कब्जा करना है? हाँ जी, इंडिया ने, इंडिया ने नहीं, ये सारी कंट्री जो मिल के, ओ भाई जो हमें देती है ना, हम बताते नहीं है, बल्कि हम तो हथियार ले रहे हैं, तो कब्जा क्यों करना है? तो वो हमें फिर कर्जा दे रहे हैं और पाकिस्तान ले रहा है जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी वाम गरीब। चलो छोड़ो, इकोनॉमिक्स को टच ना करो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। मुझे ये बताओ, इंडिया के बारे में क्या? मैं इंडिया
इंडिया के बारे में जो भी बताया जाता है कि वो दुश्मन है हमारे। अच्छा, देखो उनके बच्चे से जब पूछते हैं वो कहते हैं, स्कूल में पढ़ता हूँ ना तो मैं स्कूल की इतनी पे इतना फोकस नहीं करता। तो किस पे कर रहे हो? हमारी मस्जिद है पास मेरी। हाँ मस्जिद जाते हो तो हमारे। हाँ जी मस्जिद जाता हूँ तो क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जनो वो जज्बे वाला जहाद है। जज्बे वाला जहाद है तो ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है ये तो कहते हैं कि साइंस का करियर। साइंस भी पढ़नी है, पढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही ये नहीं कि दीन से दूर हो जाएं। हे भगवान, क्या देख लिया ये मैंने। ये पढ़ाया जाता है मदरसों में, पैदा होते ही इनको जहरीले इंजेक्शन देना शुरू कर दिए जाते हैं कि भाई दुनिया से नफरत करो, इंसानियत कुछ होती ही नहीं है इनकी नजरों में। फिर बात करते हैं ये तरक्की की, ये लेकर जाएंगे पाकिस्तान को आगे। मेरी बहन इबादत है, औरत की इबादत कैसे है? कैसी है बताओ? कैसे आप? 12वीं क्लास का बच्चा है और औरत जहाद और कश्मीर इसको बताया जाता है। बात सुने, बात सुने, एक मिनट। इस्लाम क्या कहता है? आप मेरी बहन हो, ठीक है, बात सुनो। दीन की क्या बुनियाद है? क्या बुनियाद की? हया है, हया नहीं तो दीन नहीं। तो हया आंखों का भी होता है। आंखों का भी होता है, लेकिन अगर मैं बुरखा पहन के हया मेरी आंखों में नहीं तो बुरखा मुझे बचा लेगा? अगर हया नहीं है, हया नहीं है, मस्जिद जाते हो हया नहीं है, जूतियाँ पीछे से गायब। सुनो वो क्या है? वो हया नहीं है। वो लामा इकबाल, अल्लाह के घर से चोरी हो रही है, हया। बात सुने, बात सुने, लामा इकबाल के चेहरा साथ पर्दों में छुपा हो इकबाल, आंखें दे ही जाती है मोहब्बत के इशारे। ठीक है ना? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज जो जारी बात सामने आमने सामने हो रही है ना। अच्छा, बाल टेट है, बाल टेट है। देखो मैं एक बड़े खूबसूरत लिबास में कैमरा मैन दिखाए खड़ी हूँ, मुझे हक है सजने सवरने का, अच्छे कपड़े पहनने का, मेरी तालीम है। किसके सामने छोड़ दो? खावन के सामने छोड़ दो। देखो जैसे तुम साफ सुथरे रहते हो ऐसे मैं भी रहना पसंद करती हूँ, मेरी इस गेटअप से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जहाद जहाद क्यों ना करें? जहाद से क्या मसला है आपको? जहाद क्यों ना करें? करना चाहिए, करना चाहिए जहाद। देखो एक बंदा है वो अपने साथ बॉम्ब बांध के आप और मैं खड़े यहाँ पर फट जाए और उसको उसी तरह किसी जाली मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारा जहाद है तो क्या ये जहाद है? हमने उसको नुकसान तो वो जाली, फिर आप कह रही कि वो जैली मौलाना ना वो सही मौलाना। लेकिन दूसरे तो लोगों को तो नहीं ना पता कि वो जैली है, वो तो ये कहेंगे कि मुसलमानों ने बॉम्ब फोड़ दिया। तो वो हमें खुद पता है ना, हमें तो पता है। हमारे जो पीछे हजरत उमर फरूक ने बताया कि जहाद, हजरत अली ने बताया हमें कि जब कोई नुकसान पहुंचाए बताया हमें, तो वो गुस्ताखियां कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं ये हमें कुछ करने नहीं देते। नहीं नहीं बेटा, तुमने कुछ करना भी नहीं है, तुमने अभी पढ़ना है, तुमने जहाद नहीं करना, तुमने साइंस पढ़नी है, टेक्नोलॉजी पढ़नी है। और जिन मौलाना के पास जाते हो उसके पास आज के बाद बिल्कुल नहीं जाना, ट्यूशन जाओ। नहीं नहीं नहीं, जहाद जहाद बुरी बात है, ये बड़े सेंसिटिव मैटर है, आपको तभी समझ ही नहीं है कि जहाद का मतलब क्या है। मैं तो पाकिस्तानी हूँ, तुम्हें यही सलाह दूंगी कि इनको ये जहरीले जाहिलता के इंजेक्शन लगाने से अच्छा है कि इनका गला घोटकर बेहतर उरु के पास पहुँचा दो पहले ही, क्योंकि तुम तो सिखाते ही सिर्फ मरना मारना हो तो पहले ही मार दो। सही बात है। और जब तुम्हें इतना ही शौक है मरने का तो धरती पर रहते क्यों? मैं तो बोलती हूँ पूरे पाकिस्तान को उड़ा लो, 72 उरे क्या, 72,000 उरे मिलेंगी। मेरी ये बात बताओ कि एजुकेशन के बारे में क्या राय रखते हो और कैसे ग्रूमिंग हो रही है? नहीं देखे ना, आप आपने कहा इंडिया से, इंडिया ने कहा हमें अपना हक दिया, हमारा क्या हक क्या बताओ ना, मैं तभी तो तुम्हारी राय ले। पहला हमारा हक है कश्मीर, वो हमें नहीं दिया जा रहा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कश्मीर हक आपका कैसे है? जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं इंडिया में उसका कौन हक है? वो कहाँ पर गया? कौन से जुल्म हो रहे हैं? तो यहाँ पर जो आपने फैसलाबाद में क्रिश्चियंस को जलाया, उनके चर्चे जलाए, मैं बताती हूँ। हाँ गलत हो गया। अच्छा बात सुने, उसके बाद मेरी बात सुने, कराची के अंदर जो सिंध में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा? वो पहले किसकी गलती, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? स्टार्ट वो छोड़ है। और मेरी बहन बात सुने, हुर्मत रसूल के भाई कोई बंदा इनमें से बता दे। लेकिन कानून का सहारा लो ना, सजा जरूर होनी चाहिए। बात सुने, कानून क्या है? कानून क्या है मैं आपको बताऊं? गलत होगा तो कौन उस पर? यहाँ पर अगर एक बंदा कह देगा ना कि इस फलां शख्स ने ब्लास्फेमी किया, उस बंदे से पूछेंगे भी नहीं, उसको मार देंगे। आप इंतजार तो करो, कानून का दरवाजा खटखटाओ, प्रॉपर तरीके से जाओ, साबित करो, पूरी दुनिया के सामने लेके आओ, वो शख्स इकरार करे कि हाँ मैंने गलती की है, फैसला दुनिया के सामने आ जाएगा।
जब तक दुनिया मीडिया पहुंचती है वो बंदा राख हुआ होता है, हमें क्या पता चले उसने ब्लास्ट हमें किया है कि नहीं। ठीक है ठीक है, वो कानून तो सारा लंदन में जाके बैठ गया। पूरा वीडियो आपने देख ही लिया, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। इन मदरसे साहब जाहिलों को पेलिए, और नहीं तो क्या। और हाँ, कभी हमारी हवेली पर भी आओ, आई मीन हमारे चैनल किट्टू राव, क्योंकि हम इनकी पिलाई करते हैं शिद्दत से, तो आपका इंतजार रहेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार मतलब मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, मतलब अभी ये बिल्कुल 10th क्लास में जो पहला बच्चा दिखाया, बिल्कुल यंग था एक, मतलब इतनी, जब हम 10th क्लास में होते हैं ना, हमें इतनी ज़्यादा अक्ल भी नहीं होती। तो वो उस टाइम पे ना इंसान जो सीखता है ना, क्योंकि वो सीखने की उम्र होती है, जो सीखता फिर वो बड़ा हो जाए, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ लिख ले, फिर उसके माइंड में जो तब सिखाया गया होता है ना, वो सारी उम्र उसके जहन में रहता है। उसकी बात की ना इन्होंने मीडिया से रिलेटेड, लाइक देखे कि जो खबरें होती है ना, उसका सही से चलना भी मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। क्योंकि अगर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना कहीं से भी, तो वो फिर आप पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डाल सकती है। तो वो जैसे उन्होंने कहा ना, वो वाला लाइक किसी भी बात की आप बात करें, इंडिया के हवाले से बातें करते, देखेंगे ये तो अमूमन दोनों कंट्रीज़ में चलता है कि पाकिस्तान वाले इंडिया को न्यूज़ चैनल्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सिखाते दिखाते, और वो जो दूसरी तरफ है वो भी ऐसी है। तो इस वजह से, क्योंकि हमारे इस दोनों कंट्रीज़ में ना लोग न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, चैनल्स बहुत ही ज़्यादा ऐसे देखते हैं खबरों वाले, तो वहाँ पर फिर जब आपको बता दें पाकिस्तान ने ऐसे कर दिया और इंडिया से आएगा, इंडिया ने ऐसे कर दिया, तो फिर लोगों ने कहना कि हाँ यार उधर ये हो रहा है, हमने न्यूज़ चैनल्स पर देखा था। तो इनको भी वैसे ना, अगर ये इख्तलाफ जो है ना दूर करके, जो रियलिटी बेसिस बातें होती है ना, वो अगर बताई जाए ना, तो फिर इसके मतलब मीडिया का तो काम ही यही है कि वो नफरत अंगेज बातें फैलाते हैं। लेकिन आप जब यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि हकीकत में हो रही होती हैं। कोई मतलब गलत नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो मीडिया में या हमारे न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है, उससे हटकर हमें बहुत ज़्यादा दुनिया में जो रियल बेस्ड चीज़ें होती हैं ना, वो हमें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ना, मुझे लगता है भाई जो मतलब होती है ना तलीम साइंस की, क्योंकि आपको पता है कि दीन की भी तलीम हासिल करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप दीन से बिल्कुल ही हट जाओ, दीन की भी तलीम हासिल करो, लेकिन साइंस में आजकल हम दुनिया जो है वो कितनी आगे बढ़ रही है, साइंस टेक्नोलॉजी की अभी दुनिया। अगर फर्ज करें आप मजहब के ऊपर ही मतलब बैठे रहोगे कि यार मजहब ही ऐसा है, मतलब मजहब के लेके, तो फिर आपको आप जो मतलब जो दुनियावी जो चीज़ें हैं वो तो आप कभी भी अपनी फैसिलिटीज या फिर आपका माइंड कभी नहीं खुल पाएगा। दोनों तलीमें ही हासिल करनी चाहिए आपको। साइंस के बारे में ये बच्चा बोला नहीं, हम मैं तो ज़्यादातर अपने मतलब मदरसा में जो पढ़ाया जाता है उसी पे फोकस करता हूँ। तो मुझे तो लगता है जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हमें तो सबसे ज़्यादा टेंशन ही स्कूल लाइफ की होती है कि यार स्कूल में हमारा ये सब्जेक्ट है, इसमें कहीं मार्क्स ना कम ना आ जाए, हम कहीं फेल ही ना हो जाए। इंग्लिश मैथ साइंस ये ज़्यादातर सब्जेक्ट टफ हमें सबको लगते हैं, तो हमारा फोकस उन्हीं पर ज़्यादा होता है। तो अगर उन चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आगे चलकर अभी देख लें इंडिया में ये जो उन्होंने चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया, वो सॉफ्ट लैंडिंग भी होगी, वो पहले जो जिन्होंने किया वो कितने उनको साल लगे हैं साइंसदान बनने में, आईटी में जो उन्होंने पढ़ा, वो पैसे कमा रहे हैं, वो किस तरह से कमा रहे, इसी तरह से उनकी उन्होंने ना अपनी कामयाबी को बनाया तरीका एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन पर बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च किए, उन्होंने फोकस किया, उनके माँ बाप ने अपने बच्चों को, उन्होंने ये बोला कि हम चाहे एक टाइम की रोटी खा लें, लेकिन अपने बच्चे की तालीम जो है ना वो हमने दिलवानी है, ये उन्होंने चीज पे फोकस करके। तो आज देखें दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, दुनिया आ रही है यहाँ पे मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करने। तो ये चीजें होती है जो आपको आगे लेकर जाती हैं। तो पाकिस्तान को भी मुझे लगता है इंडिया से सीखने, बच्चों को सीखने की जरूरत है, खासतौर पर ये जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं ना, इनको भी चाहिए कि साइंस पर फोकस करें, ना कि मौलवियों को, तो आपको पता है उनका काम होता है दीन के तालीम देना, ना कि वो साइंस के बारे में तो वो जानते नहीं होते। तो साइंस हम हासिल कर सकते हैं हमारे जो टीचर्स होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, उनसे हम सवाल पूछें, हमारा माइंड शार्प हो, हमें पता चले दुनिया में चल क्या रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो पता नहीं यार क्या होगा पाकिस्तान का, डर लगता है ऐसा सब कुछ सुन के। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो। थैंक यू।